गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं भौतिक विज्ञान राजस्थान बोर्ड का पहला यूनिट स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी प्रथम यूनिट है जो टोटल 7 मार्क्स का है। आरबीएससी में जो बोर्ड का पेपर आता है वो 56 मार्क्स का आता है, थ्योरेटिकल पेपर 14 मार्क्स सत्रांक है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो टोटल 56 नंबर का जो थ्योरेटिकल पेपर है उस पर फोकस करना है, और जब उस पर फोकस होगा तो ये 17 14 नंबर भी आसानी से आपको प्राप्त हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल जो है इसी थ्योरी पे बेस्ड है तो आपके ये 30 नंबर ये भी इजीली कवर हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी में टोटल 4 चैप्टर है। पहला विद्युत क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, विद्युत विभव के बारे में बेसिक आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो, और चौथा है धारिता। ये 4 चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी प्रथम यूनिट में आते हैं। इन चारों चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ना है। आपके 12वीं कक्षा में टोटल 10 तो यूनिट है, और टोटल इस 10 यूनिट में 17 चैप्टर्स है। तो शुरू पहले अपन देख लेते हैं भाई स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है नाम से ही क्लियर है, स्थिर का मतलब आप सब जानते हैं जो एक जगह पे रुका हुआ है, और वैद्युतिकी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या आवेश। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं स्थिर मतलब विराम और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में जब आवेश विराम अवस्था में होता है तो उसके गुणों के बारे में और उन स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं या अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन इस स्थिर वैद्युतिकी में किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? विराम अवस्था में स्थित आवेश के गुणों तथा उसके मध्य या उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा से शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनके मध्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इन पूरे 4 चैप्टर्स में जो कि एक यूनिट है उसमें अपने को क्या पढ़ना है? स्थिर वैद्युतिकी जो है उसकी परिभाषा क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, क्लियर है? आप देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों का और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो बच्चों, रटना नहीं है चैप्टर को, फिजिक्स को समझा जाता है, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, ठीक है? तो पूरे जो आवेश है, स्थिर आवेश, उनके गुणों और अन्योन्य क्रियाओं के मध्य जो है, अन्योन्य क्रियाएं जो होती है आवेशों के मध्य, उसका अपने को अध्ययन यहाँ पे करना है।
बेसिकली यहाँ पे देखें तो क्या क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक मेमोरी मैप के बारे में बताना चाहूँगा। मेमोरी मैप आप ध्यान से देखिए, या मेमोरी मैप मेमोरी और जो ये मैप है इसमें देखिएगा, जब भी कोई आवेश Q स्थिर है तो उसके कारण सदैव विद्युत क्षेत्र होगा। ये ध्यान रखना भाई, क्या होगा, जब भी कोई आवेश स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो कि अपना पहला चैप्टर है उससे संबंधित है। मतलब वेलोसिटी या अपन कह सकते हैं Q जो है क्या है, स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र होगा, इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये आवेश Q नियत वेग से गतिशील होगा, गतिशील होगा तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा, उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो अपन कह सकते हैं E भी होगा एंड चुंबकीय क्षेत्र को B से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E भी होगा और B भी होगा। तीसरा केस, थर्ड केस, यदि कोई आवेश Q त्वरित हो रहा हो या अपन कह सकते हैं दोलन कर रहा हो, क्या कर रहा हो, त्वरित हो रहा हो या दोलन कर रहा हो, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो लगभग आधे चैप्टर्स 12वीं भौतिक विज्ञान की जो बुक है उसमें लगभग आधे चैप्टर आवेश पर डिपेंडेंट है। उसमें कहीं पे आवेश स्थिर होगा शुरुआती चैप्टर में, फिर आवेश नियत वेग से गतिशील करेगा उसके प्रभाव पड़ने, और फिर आवेश जब त्वरित होगा तो उसके बारे में अध्ययन करना है। त्वरित का मतलब आपको पता होना चाहिए, त्वरित का मतलब है कि वेग जो है बदल रहा है या बढ़ रहा है। अपन कह सकते हैं वेग जो है बदल रहा है, तब भी कोई वस्तु वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आपको पता है। तो जब वेग बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे, त्वरित होना कहेंगे, ठीक है। और त्वरण आपको पता है, जब त्वरण है तो कहीं ना कहीं पे बल भी है, त्वरण है तो अपन कह सकते हैं कि बल भी है, ठीक है। तो इस आवेश पर बल लग रहा है। चलो, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें, एक बार इसको देख लो वापस, स्थिर वैद्युतिकी है जो 7 नंबर का यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर है, विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, धीरे धीरे सब बताया जाएगा आपको। तीसरा है विद्युत विभव और चौथा है धारिता। देखो 11th 12th जो है बच्चों बेस होता है, और कोई भी कंपटीशन JEE या नीट की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बेस होता है। इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, और उसी के आधार पर अपन इसके अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखेंगे। तो ये हो गया। तो ये जो मेमोरी मैप है, ये जो मेमोरी मैप है, ये आपको आपके दिमाग में सेट रखना है, क्लियर। अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट, कि ये जो अपन स्थिर वैद्युतिकी है इसके अनुप्रयोग क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी, या इसको विद्युतिकी भी बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत जो है के अनुप्रयोग, तो दैनिक जीवन में स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो इस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। पहला, फोटोकॉपी की मशीन, फोटोकॉपी की जो मशीन होती है वो इसी सिद्धांत पे, स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पे कार्य करती है। और इनके सिद्धांत क्या है वो अपन आगे पूरे अपने को 4 चैप्टर्स में सब कुछ यही पढ़ना है। तो फोटोकॉपी की मशीन में अपन देखते हैं कि जब भी अपन एक प्रिंट या नोट्स का कोई पेज फोटोकॉपी की मशीन में रखते हैं तो मशीन द्वारा हूबहू वैसे ही प्रतिलिपि अपने को प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके पीछे स्थिर वैद्युतिक का सिद्धांत है। साथ में दैनिक जीवन अपन देखें फोटोकॉपी की मशीन या प्रिंटर मशीन, प्रिंटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रिंटर मशीन।
तीसरा है वान डे ग्राफ जनित्र, तीसरा एक युक्ति है वान डे ग्राफ जनित्र। ये जो वान डे ग्राफ जनित्र है ये भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्या काम आता है? उच्च विभव उत्पन्न करने के काम आता है, उच्च विभव उत्पन्न करने के काम आता है। कहीं पे भी अपने को उच्च विभव उत्पन्न करना है तो वहाँ पे वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है, जो स्थिर वैद्युतिकी सिद्धांत पे कार्य करता है। चौथा देखें तो किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने में, किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने एवं उसकी दिशा परिवर्तित करने, उसकी दिशा परिवर्तित करने में भी इसी सिद्धांत का उपयोग होता है। मान के चलो कोई एक्सपेरिमेंट करना है और उसमें कोई आवेश ले लिया, मान के चलो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण है, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे, तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कण है उनको मान के चलो कहीं पे अपने को बिल्कुल तेज गति से अटैक करवाना है तो अपन स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। और पाँचवा है स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत पर आधारित होती है एक भूकंप लेखी। आपको पता है भूकंप लेखी क्या होती है? तो स्थिर वैद्युतिकी भूकंप लेखी भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। और भूकंप लेखी आपको पता है भूकंप की तीव्रता नापने के काम आता है, सिस्मोग्राफ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके स्थिर वैद्युतिकी के क्या हो गए भाई? अनुप्रयोग हो गए, जिसमें पहला है फोटोकॉपी मशीन, दूसरा है प्रिंटर मशीन, दोनों एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, एक जैसी चीज़ें हैं, वान डे ग्राफ जनित्र और किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने एवं उसकी दिशा को परिवर्तित करने में जो है यही सिद्धांत काम आता है। और चौथा है स्थिर वैद्युतिकी भूकंप लेखी। इसको नोट करिए एक बार और एक बार जल्दी से इसका रीडिंग करिए बच्चों, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपन चैप्टर शुरू करेंगे अपना अब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चैप्टर शुरू करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और साथ के साथ याद हो जाना चाहिए, साथ के साथ याद करोगे तो बाद में आपका समय बहुत ही बच जाएगा। उदाहरण है, एक परिभाषा याद करनी है स्थिर वैद्युतिकी की, ठीक है। ये आप देखिए स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा जल्दी से याद करिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणों एवं उनके मध्य की अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसे स्थिर विद्युत विज्ञान भी कह सकते हैं, स्थिर विद्युत विज्ञान भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा इसके अनुप्रयोग, इसके बाद अपन पहला चैप्टर शुरू करेंगे। ये तो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन था कि ये चार चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर उसका मेन थीम क्या है। हर चैप्टर देखो, हर पॉइंट, हर टॉपिक की आपको परिभाषा अच्छे से पता होनी चाहिए, और परिभाषा रटनी नहीं होती है, समझनी होती है। और हर एक टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो शब्द होते हैं उनको आपको अपने माइंड में सेट करना है, परिभाषाएं अपने आप बन जाएगी एज इट इज़, लाइन टू लाइन रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट शुरू करते हैं चैप्टर पहला। अब पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर वन विद्युत क्षेत्र। इसमें है इसका विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे पर आप ध्यान से देखिए, इससे पहले अपन पहले जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो कहीं ना कहीं आप 11वीं तक पढ़े हैं, ठीक है, तो आपके नॉलेज में, आपके माइंड में 11वीं तक की कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। देखो जब भी 10वीं के बाद बच्चा 11वीं में साइंस लेता है तो 11th जो है उस जो है वो उसके 12वीं के लिए एक बेस, एक आधार तैयार करता है। तो 11th की चीज़ें यदि आपको अच्छे से आती हैं तो 12वीं की जो भी चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी।
और 11वीं में अगर दिक्कत है तो भी कोई बात नहीं है, 11वीं के जितने भी टॉपिक 12वीं में यूज आएंगे वो हम साथ में आपको बताते चलेंगे, कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट अगर 11वीं आपकी बेकार रह गई है, ढंग से नहीं हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन फोकस करते हैं, अपन देखते हैं कि ये चैप्टर किससे है। तो देखो इससे पहले अपन 11वीं कक्षा थोड़ा सा देखो बैकग्राउंड में चलेंगे, 11th क्लास के कि अपन पढ़े थे गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है, अपन पढ़े थे गुरुत्वीय बल। अपन अपने को पता है कि गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय क्षेत्र किसके कारण था, द्रव्यमान के कारण था, ये सब अपन पढ़े हैं, ठीक है। इसके साथ अपन यहाँ पे देखें तो गुरुत्वीय क्षेत्र के साथ गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय विभव भी था और गुरुत्वीय गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी थी, ये सब आप पढ़े हो। देखो पुराना इसलिए याद दिला रहा हूँ कि कोरोना में आप सब भूल चुके होंगे, इतने दिन आपकी पढ़ाई बाधित रही, तो पुराना जो आपने लास्ट फरवरी मार्च में पढ़ा था उसको रिवाइज करना जरूरी है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये सब अपन पढ़े थे 11वीं कक्षा में, तो पूरा याद होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े थे वो पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अब अपन देखते हैं कि अपने को पता है कि गुरुत्वीय बल की बात की थी, गुरुत्वीय क्षेत्र की बात की थी, गुरुत्वीय विभव की बात की थी और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात की थी, और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था वो था द्रव्यमान, क्लियर। तो यहाँ पे भी पूरा स्थिर वैद्युतिकी, पूरा जो है 11th के गुरुत्वीय बल वाले, गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर से रिलेटेड है, मतलब है चीज़ बिल्कुल अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप वहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकते हो, काफ़ी कॉन्सेप्ट सिमिलर है, परिभाषाएँ काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस वहाँ जो भी हो रहा था सारा का सारा द्रव्यमान आधारित हो रहा था और यहाँ होगा आवेश आधारित। किसके आधारित? आवेश आधारित। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपन देखते हैं, ये सब अपने को पढ़ना है, अपन यहाँ पे देखे तो अभी अपन विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं इन सब को, तो अपन एक बार मेमोरी मैप, इसका मेमोरी मैप देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसमें अपन एक मेमोरी मैप देखेंगे, ये मेमोरी मैप आपको याद हो जाना चाहिए, चारों चैप्टर का एक बेस है, तो ध्यान रखिए मेमोरी मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। देखो जब तक कोई चीज़ें सेट नहीं होती है तो क्या होती है, डगमगा जाती है। अपने को दिमाग में सारी चीज़ें क्या करनी है, सेट करनी है। सबसे पहले अपन देखें कि मेमोरी मैप, मैं देखो आपकी तुलना करके 11वीं से तुलना करके एक बार मैप बता रहा हूँ आपको, बस दिमाग में रखना, पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को अपने दिमाग में सेट करना है। तो देखो 11th क्लास में जो मेमोरी मैप था गुरुत्वाकर्षण का, 12th में वही मेमोरी मैप आपको सेट करना है। देखो क्लियर, पिछली जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो सारी की सारी, देखो ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि थीटा बीटा क्या काम आता है, जो इस फील्ड में वर्क करते हैं उनको सबको पता है कि थीटा अल्फा बीटा सबका कहीं ना कहीं यूज़ है दैनिक जीवन में। तो 11th में अपन ने पढ़ा सबसे पहले गुरुत्वीय बल, ये अपना पूरा पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड, और ये पढ़ना है अपने को पूरा का पूरा स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड चीज़ें, आसान है। 12th जो है 11th से आसान है, यदि 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 12th आसान है। एफ बराबर जी M1 M2 बट्टा आर स्क्वायर, ये आप सबने पढ़ा होगा, क्लियर। और ठीक है, परिमाण की बात करते हैं और दिशा की बात करनी है तो आपको माइनस चिन्ह लगाना होगा, सदिश फॉर्म में लेना है तो माइनस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब को पता है आपको, क्लियर। फिर आता है गुरुत्वीय क्षेत्र, जिसको अपन EG या G बोलते थे, EG या G बोलते थे, ये क्या था, माइनस जी M1 बट्टा आर स्क्वायर, क्लियर। फॉर्मेट अलग हो सकता है, M1 की जगह कैपिटल M भी रख सकते हो। तीसरा जो स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं वो होती है U बराबर माइनस का G M1 M2 बट्टा R,
क्लियर। चौथा जो फॉर्मूला है वो है v बराबर माइनस का जी एम वन बट्टा आर। यहाँ चारों सूत्रों में माइनस चिन्ह लगता है और माइनस चिन्ह जो है यहाँ पे आकर्षण को प्रदर्शित करता है, और अपने को यह भी पता है कि गुरुत्वीय जो बल होता है वो सदैव आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। तो इससे ये निकाल सकते हो, ये सब रिलेटेड है आपस में, ये मेमोरी मैप आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके कुछ सूत्र हैं वो आपको पता होगा, आपको ये भी पता होगा कि E बराबर या EG बराबर क्या होता है, F बट्टा मास, इस सूत्र से आया है। किसी भी एक मास से भाग दे दीजिए तो यहाँ पे दो मास है, किसी भी M2 से भाग दे दिया तो ये आ गया। तो बल बट्टा कोई भी मास से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, ये आपको पता है। यहाँ एक और फॉर्मूला जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, F इंटरनल बराबर माइनस का डी यू बट्टा डी आर, ये एक सूत्र है, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ते हैं, F इंटरनल बराबर माइनस का डी यू बट्टा डी आर, जो आंतरिक बल और स्थितिज ऊर्जा के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे विभव क्या हो जाएगा, U बट्टा M, U बट्टा M सूत्र होता है। तो जितनी भी स्थितिज ऊर्जा है उसके अंदर मास से भाग दे दो तो एक मास कम हो जाएगा और ये हो जाएगा गुरुत्वीय विभव। और यहाँ पे भी एक सूत्र होता है जिसको अपने को 11th क्लास में नहीं पढ़ते लेकिन इसको अपने को पढ़ना है 12th में, तो उसका जब डेरिवेशन आएगा तब इसको समझेंगे। इसी प्रकार 12th में बात करें तो सूत्र एक बार दिमाग में ध्यान रखिए, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 बट्टा Q2 बट्टा R स्क्वायर। ये हो गया बल, कौन सा, स्थिर वैद्युत बल, इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी का बल है तो इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र, इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर। देखो मैंने क्या कहा, ये सब क्या है वो आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी सिर्फ 11th में जो आपने पढ़ा है उससे अपन 12th की तुलना कर रहे हैं। और स्थिर वैद्युतिकी में जो चार चैप्टर है वो सब इसी के इर्द गिर्द है, ध्यान रखना। U बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर, और V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे वो काफ़ी हद तक 11वीं कक्षा के गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित। आप देखिए यहाँ नेतांक है जी, तो यहाँ पे ये नेतांक है। अभी नेतांक कैसे आया ये अपन आगे पढ़ेंगे, ये सब में ये आप देख रहे हैं सब में ये नेतांक है। कुछ बुक्स वाले के भी लिखते हैं, अपन यहाँ ये कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट